अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सुबह बखैर सबको। और आज जो है मेरा पहला पेपर है मिड्स का, तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं। मेरी रुक है और आज जो है मैं मम्मा का बैग लेकर जा रही हूँ। मेरा आज अपना बैग लेकर जाने को बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए आज मैं अपना बैग ले मेरा अपना बैग लेकर जाने को बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए मैंने कहा आज मैं मम्मा का बैग लेकर जाऊँ। बहुत शोर हो रहा है बाहर, तो यूनिवर्सिटी चलते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी चल के मिलते हैं। और अब जो है ना मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ, चलते हैं फटाफट से क्लास में, इतनी जल्दी से भागते हैं। अभी भी पेपर शुरू होने में 10 मिनट हैं, फिर भी चलते हैं। डन विद द पेपर, अब चलते हैं बाहर। अली इंतज़ार कर रहा है, चलो भाई चलें। चलो भाई जी। फ्रेंड, तो मैं यूनिवर्सिटी से आई थी और फिर उसके बाद जो है ना मैं सो गई, और मुश्किल से आई थिंक सो 20 मिनट्स मैं सोई होंगी। तो अली साहब ने आज जाना था, हमारे जो कज़न है ना, हमारे ताया के बेटे, वो आ रहे थे सऊदीया से, तो अली ने जाना था उनको लेने। और अली चला गया, अली ने फौरन मुझे छोड़ के फिर जाना था उनको लेने, हमारे दूसरे कज़न के हसन के साथ जाना था, वासे भाई को लेने। तो ये मुझे फौरन इसने छोड़ा, मेरी वजह से ये लेट भी हो गया था, और ये जो है ना चला गया था फिर। और फिर मैं सोकर, अभी मैं मुश्किल से मैं को 20 मिनट्स सोए होंगे, तो अली की कॉल आई कि वो नहीं वासिफ भाई जो है ना लेट आएंगे, तो मैं आ रहा हूँ अभी घर ना। तो मैंने कहा ठीक है, हम आए। हम जो है वो घर में इंतज़ार कर रहे थे, अभी खाना खा रहे थे हम, मैं बाबा ना, मम्मा नहीं उस वक्त खा रही थी, मैं और बाबा खा रहे थे। तो एकदम से जो है ना दरवाज़ा जो है ना वो खुलता है बाहर का, और तो देखते हैं तो वासे भाई ऊपर चाचा एंटर हो रहे हैं, और हम वासे भाई को देखकर एकदम से हैरान हुए कि वासे भाई कहाँ से आ गए। वासे भाई ने तो रात को आना था, तो मतलब ना एकदम से मामा भी एकदम शॉक हुए वासे ऐसा करके ना, और मेरा बड़ा दिल था कि मैं वो मोमेंट कैप्चर करती थी। लेकिन एक तो मैं उस वक्त बिल्कुल सोकर उठी थी, मुझे कोई होश नहीं, और ऊपर से मुझे पता भी नहीं था, वरना मैं वो ज़रूर कैप्चर करती हूँ। आप देखते रहे तो आप लोगों को इतना मज़ा आता, बहुत ही क्यूट मोमेंट था वो। तो बस, और वासे भाई आया, वासे भाई हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी आपको। और अभी जो है ना फ़िलहाल कल की हमारी असाइनमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली असाइनमेंट के बारे में, कि मैंने बॉक्स बनाया था पैकेजिंग प्लांटर की, बट ये मैं अभी एक प्लांटर ख़रीद के लाई हूँ, और इसके अंदर जब मैं डाल रही हूँ तो ये देखें प्लांटर बड़ा है और बॉक्स छोटा पड़ गया है। इट मींस मुझे इस प्लांटर के लिए, इसको मैं निकालती हूँ, इस प्लांटर के लिए मुझे नई पैकेजिंग बनानी पड़ेगी। तो मुझे सुस्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, लेकिन बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली मिड्स हैं तो। और ये है भी हमारा जो है ना, कहते हैं प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स ज़्यादा होते हैं, और थ्योरी के सब्जेक्ट मार्क्स जो है ना वो बहुत थोड़े होते हैं। तो मुझे इसके लिए नई पैकेजिंग बनानी होगी, और मैं अभी वो बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, और फिर मैं आपको रात को भी थोड़ी देर तक मैं आपको दिखाऊँगी गिफ्ट्स क्या लाए थे वासे भाई हमारे लिए। और वो लास्ट स्टे ट्यून्ड, जब तक मैं ही बनाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नेक्स्ट डे हो गया है, और कल मैंने आपको जैसे कि कहा था कि मैं अपना बनाने लगी हूँ काम, वो पैकेजिंग। तो पैकेजिंग बनाते 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 इतना लेट हो गया था कि मेरी आखिर में ना आँखें बंद हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना एनर्जी बहुत लो हो गई थी। तो बस मैंने जैसे ही बनाया, और हालांकि घर में सब सो गए थे, मामा भी सो गए, अली भी सो गया, बाबा भी सो गए थे, मैं अपना काम बनाई जा रही थी, करी जा रही थी, करी जा रही थी। तो अब जो है मैं आपको सुबह मिल रही हूँ, और मैं आपको बस फिर अब यूनिवर्सिटी चल के दिखाती हूँ कि ये कैसा है, तो वहीं चल के देखते हैं। और मैं रेडी हो गई हूँ, और आज जो है हमें अपना लैपटॉप भी लेकर जाना पड़ेगा, और ये जो हमारा वो मैं आपको ये वहाँ जा के दिखाऊँगी। तो बस हम रेडी हो गए हैं, अब यूनिवर्सिटी चलते हैं, फिर यूनिवर्सिटी चल के मिलते हैं। और मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ, ये रहा मेरा असाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं प्रैक्टिकल है यार ये मेरा, चलते हैं। बड़ी शिद्दत की धूप निकली हुई है आजकल, पेपर्स के दिनों में चकाचक यूनिवर्सिटी भरी है। हमारा पेपर हो गया है, और ये थे प्लांटर, फिर मैं भी आपको भी खोल के नहीं दिखा इतना, तो मुझे अपनी पिक्चर भेजना फिर मैं वो दिखाऊँगी, ठीक है, भेज देना मुझे तुम, फिर मैं अपना भी घर जा के दिखाती हूँ आपको भी।
और क्योंकि अभी फिर मैंने बंद कर दिया, अब मेरी हिम्मत नहीं खोलने की। और अब चलते हैं हम। यार आजकल धूप कितनी निकल रही है ना, इतनी ज़्यादा शदीद धूप निकल रही है, मुझे तो लग रहा था मैं नज़र मेरी लग गई धूप को मौसम को मेरी। हाँ इसने कहा था याद है वो एक व्लॉग में, तो मेरी नज़र लग गई है। क्या अभी गर्मी आएगी, लेकिन आ जाएगी इंशाल्लाह जल्दी ठंड आएगी, अपने दिल को सुकून कोई नहीं। चलो भाई चलो, बहुत रश हो रहा है। नहीं हम तो आए हैं, पूरा सेमेस्टर आए हैं। हाँ भाई हम आए हैं भाई, हम तो आए हैं सेमेस्टर में पूरा, लेकिन बाकी बच्चे नहीं आते, बाकी बच्चे लगता सिर्फ पेपर्स में ही आए हैं। चेक करें ना अगर आप नीचे, नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना बच्चा बंदे से बंदा जुड़ा है। पहले आपने देखा होगा सिर्फ मेरे पैर दिखते थे, अब बंदे बंदों के पैर दिख रहे हैं। लारे तो वो आप पीछे देख सकते हैं, उसको भी लेने नहीं आए, अली जो है वो बाहर ही खड़ा है, तो हम चलते हैं बाहर। चलो भाई चलो। एंड हियर इज अली, अस्सलाम वालेकुम। ये लो, थके तो नहीं? हमें तो धूप कितनी निकली हुई है। चलो चले घर। चलो चलो, हम लोग जो है ना वो घर आ गए थे, मैंने घर आके पराठा खाया और इतना लजीज था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब जो है मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्यूशन पढ़ा के आई हूँ, मुझे फिर भूख लग गई, मैं पराठा एक्स्ट्रा लेकर आई थी अपने लिए। और ये देखें पराठा आधा बचा हुआ, आधा अली साहब खा चुके हैं, हैं खा चुके हैं आप, और मैं जो हूँ कोक के साथ पीऊँगी, खाऊँगी ये मैं कोक और ये पराठा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मामा आपसे एक सवाल पूछना था। क्या? अभी तो आप अली से दबवा रही हैं, लेकिन मुझे फिर भी आपसे सवाल पूछना है। पूछूं? पूछो। आपने उसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है? अच्छा बस आपका वो है क्वेश्चन है मैथ्स का, मैथ्स का, मैथ्स का। नहीं मामा और मैं तो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। हाँ मामा आपका क्वेश्चन ये है, 2 + 2 = 5 हाउ? ये क्या है? 2 + 2 = 5 हाउ? हाउ क्योंकि जिसने ये बनाया वो पागल। हाँ ना जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपनी पैकेजिंग भी दिखाऊंगी और मैं गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी जो वासिफ भाई हमारे लिए लाए हैं, तो जैसे तो सबसे पहले मैं आपको पैकेजिंग दिखाती हूँ। तो ये पैकेजिंग मैं आपको दिखाती, बेसिकली ये जो पैकेजिंग थी ना ये प्लांटर की थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, लेकिन जो पहली वाली थी वो मैम कह रही थी आपको छोटी है थोड़ी सी, उसका साइज़ आप बेटर करें, तो फिर मैंने कहा चलो मैं नया दोबारा से बनाती हूँ। तो ये है मेरा पैकेजिंग है, ये प्लांटर मैंने नया ख़रीदा जाके। सो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, ये हैं हमारी गिफ्ट्स, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस परफ्यूम से, तो ये परफ्यूम जो है ये वासिफ बाबा के लिए लाए हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, देख सकते हैं ये है, तो मैं खोल के दिखाती हूँ। बाबा खोल ही नहीं रहे, जब भी कोई गिफ्ट आता है ना नया तो बाबा ने उसको बहुत संभाल के रखते हैं, हर किसी का, तो हम लोग तो यूज़ कर लेते हैं फटाफट से। तो ये
ये बॉटल है अंदर से। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो ये हमारा फर्स्ट गिफ्ट था बाबा के लिए, वासे भाई जो लाए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली वासे भाई जो है ना, दो परफ्यूम्स लाए थे, लेडीज़ परफ्यूम्स। तो उन्होंने कहा था उज़मा चाची और आप में ना डिसाइड कर लेना कि उसको कौन सी चाहिए। तो मामा और मेरी जो भी चीज़ें होती हैं हम दोनों की होती हैं, तो ये नहीं होता कि ये आपकी या मेरी, ऐसे पूछती है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ दोनों परफ्यूम्स। पहले कौन सी दिखाऊँगा, ये रेड वाली, ब्लैक वाली? पहले ब्लैक, कोई सी भी दिखा दो। रेड वाली, रेड वाली पहले दिखाती हूँ आपको। और जो हमने भी खोले थे ना गिफ्ट वास्तव में जब दिए थे, तो सबसे पहले हमने रेडी खोला था। तो मैं आपके सामने ये रेडी खोलती हूँ। और इसकी खुशबू जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे वैसे सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू है, जो ज़बरदस्त खुशबू है ना इसकी। और आप इसको चेक करें, कितनी क्यूट बॉटल है, बहुत ही क्यूट बॉटल। और इसकी जो स्मेल है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, होशी हो चुकी। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, इतनी ज़बरदस्त कि मैं इतनी क्यूट ये भी लगा रहा, बहुत ज़्यादा बेस्ट परफ्यूम है ये। तो ये हमारी होगी एक और परफ्यूम, फिर मैं नेक्स्ट में जाती हूँ। अब बारी आती है हमारी थर्ड परफ्यूम की। और जो ये वाली परफ्यूम है ना, इसका जो आप, मैं कहती हूँ मॉडल आप वो देखेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त। नहीं, स्मेल इसकी भी अच्छी है वैसे। स्मेल तो इसकी भी बहुत अच्छी है, मैं बात कर रही हूँ जो ये दिखने में है ना। ये मैं अभी खोलूँगी तो आपको पता चलेगा। वो तो हमने जब देखा कहा वो वाओ, ये कितनी प्यारी परफ्यूम की बॉटल है। तो मैं इसको खोलती हूँ और इसकी स्मेल भी बहुत ज़बरदस्त। मैंने फर्स्ट टाइम स्मेल की ना, तो ऑब्वियसली मैं पहले ये रेड वाली स्मेल कर चुकी थी, तो मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी। लेकिन फिर जब ये खुली तो हम लोग पहले इसको देखे जा रहे थे, इसकी बॉटल को देखे जा रहे थे, हमने अंदर स्मेल ही नहीं की। लेकिन फिर जब हमने इसको स्मेल किया, ये हील है, कितनी क्यूट है ये, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। मैं कहती हूँ जब बॉटल ख़त्म भी हो जाए ना किसी की, तो आप इसको एक डेकोरेशन पीस के तौर पर भी रख सकते हैं, इतनी प्यारी है ये। इसकी जो हमने खुशबू जब सूंघी ना, मैं कहती हूँ दोनों जो है ना एक दूसरे को मुकाबला दे रही है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है दोनों की, इसकी भी खुशबू। लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो है ना इसकी बॉटल ने की है हमें। और अब बारी आती है लास्ट गिफ्ट की, जो अली साहब के लिए आया है, वासिफ भाई लेकर आया है, एयरपॉड्स लेकर आए हैं लेनोवो के। और ये तो अली साहब तो हो गए, मैं कहती हूँ पागल हो गए इसको देख के, इस गिफ्ट को, क्योंकि वो बहुत टाइम से चाह रहा था कि उसके पास एयरपॉड्स हो। बहुत ज़्यादा उसने मुझसे भी फरमाइश की, लेकिन मैंने नहीं दिलाया उस वक्त इसको। और ये देखें, अल्लाह ताला जो है ना सुन लेता होता है अपने बंदे की क्या कह सकते हैं दुआएँ, ख्वाहिशें। तो अली साहब के लिए एयरपॉड्स लाए हैं वासिफ भाई माशाल्लाह से। और इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसका भी आप केस देखेंगे ना, एक तो ये आपको बॉक्स दिखा दी मैंने आपको, और ये अली साहब ने इसको भी खोल के देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। ये तो इसका केस है, ये देखिए कितना प्यारा केस है इसका। और ये चक्कर, और मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। और खोल के अगर आप देखें तो ये चक्कर, इसके ऊपर बैटरी लिखी आती है कि इसकी क्या बैटरी है। और ये इस पर भी बस थोड़ा सा चार्जिंग हो रहा है, दोनों ये दोनों एयरपॉड्स चार्ज हो रहे हैं। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह से वासे भाई सबके लिए दिल से लाएंगे, पता चल रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए ये एक है, इसको ना मैं बहुत ध्यान से यूज़ कर रही हूँ, मुझे आते नहीं यूज़ करने, सो प्लीज। और है भी किसी और का गिफ्ट, अली का गिफ्ट है तो मैं तो वो तो मेरा और मामा का था, उसको मुझे देखे बंद नहीं करना आ रहा, ये मस्त है। चले उसको अली खुद बंद कर लेगा। तो ये जो सारे थे ना, ये थे हमारे गिफ्ट्स वासिफ भाई जो हमारे लिए लाए थे, और बहुत प्यार से लाए थे माशाल्लाह से। वो जिस तरह मिलने आए हमसे और एकदम से सरप्राइज़ दिया उन्होंने, मैंने आपको जैसे बताया था, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जिस तरह उन्होंने प्यार से आके हमसे मिले और ऐसे सरप्राइज़ दिया, सब हैरान हो। बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला बहुत कमाई बरकत डाले उनकी, बहुत उनको अजर दे। और अपने पेरेंट्स की जो है ना वो इसी तरह इज्जत बढ़ाते रहे जिस तरह माशाल्लाह।
हम जो है ना हमेशा से मेरा अली और सबका होता था कि हम वासुभाई जैसे बनेंगे, जैसे वासुभाई मेहनत करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो बहुत खुशी होती है वासुभाई को इस मुकाम पे देख के, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की माशाल्लाह, और बहुत कामयाब करें, बहुत कमाई में उनकी बरकत डालें, और हमेशा अपने वालदैन का नाम रोशन करें और उनकी इज्जत करें, उनकी खुशियाँ दिखाएँ। पेरेंट्स जो है मेहनत बचपन में अपने बच्चों के इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे हमारे कामयाब हो जाए, तो वही वासुभाई करके दिखा रहे हैं माशाल्लाह से। तो बस हमारा जो आज का व्लॉग था वो इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो और मेरे पेपर्स भी आपको पता ही है जैसे कि, तो बस भी दुआ करते रहिएगा मेरे लिए, और होपफुली मेरा आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और माशाल्लाह ज़रूर। और वासु भाई के लिए एक छोटी सी दुआ ज़रूर लिखिएगा, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में नए कॉन्टेंट के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।